दोस्तों, इस साल मई के महीने में चीन और भारत के बीच पूर्वी लद्दाख में जो विवाद शुरू हुआ था वो अब तक चला आ रहा है। इस विवाद के दौरान दोनों देशों के सैनिक दो बार आपस में भिड़ भी चुके हैं। भारत ने चीन को घेरने के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ फिर से रिश्तों को एक नई ऊर्जा देने की कोशिशें तेज कर दी हैं। चाहे श्रीलंका हो या बांग्लादेश, नेपाल या मालदीव, हर देश में चीन ने विकास के प्रोजेक्ट्स के नाम पर महंगा कर्ज देकर देश को सूद के बोझ तले दबाकर वहां सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जमीन हड़पने की नीति अपनाई। दूसरी ओर भारत की नीति किसी भी मित्र देश को अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद करने की रही है। इतिहास गवाह है कि जहां चीन ने कई देशों की जमीन और समुद्र पर बुरी नजर डाली है, वहीं भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम यानी सारी पृथ्वी एक परिवार है के फलसफे पर काम किया है। लेकिन चीन है कि मानता ही नहीं। मालदीव के साथ सुधरते भारत के रिश्तों में फिर से खटास डालने के लिए चीन अब बैकडोर का इस्तेमाल कर रहा है। मसलन वो मालदीव में विपक्ष को फिर से सरकार के खिलाफ खड़ा करने की तैयारी में है। मालदीव में चीन भड़का रहा बगावत की आग। दरअसल मालदीव में जब से अब्दुल्ला यामीन की सरकार सत्ता से बेदखल हुई है, तब से मालदीव पर ड्रैगन की पकड़ ढीली होने लगी है। चीन से दूरी बनाकर मालदीव भारत के करीब आ रहा है। मालदीव के विकास के लिए भारत लगातार उसकी मदद कर रहा है, जो चीन को रास नहीं आ रहा है, और शायद इसी वजह से चीन वहां विद्रोह की आग लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए चीन ने मालदीव के विपक्ष को भड़काना शुरू कर दिया है। दरअसल मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन जेल में 5 साल की सजा काट रहे हैं। उन्हें चीन का पिछलग्गू माना जाता था। हालांकि अब चीन के भड़कावे में आकर उनकी प्रोग्रेसिव पार्टी उनकी रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर उतर रही है। फिलहाल यामीन मनी लॉन्ड्रिंग केस में 5 साल की जेल की सजा काट रहे हैं। यामीन की प्रोग्रेसिव पार्टी के नेतृत्व में मालदीव की विपक्षी पार्टियों ने एक बयान जारी कर कहा कि देश अप्रत्याशित आर्थिक संकट में फंस रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर आर्थिक मंदी और सरकार पर कर्ज संकट का खतरा बढ़ चुका है। जबकि भारत और मालदीव के अधिकारियों का मानना है कि मालदीव की विपक्षी पार्टियां इस बात से परेशान हैं क्योंकि नवंबर 2018 में इब्राहिम सोलिह की सरकार बनने के बाद भारत ने इसे मालदीव के साथ अपने संबंधों की नई शुरुआत करार दिया था। अधिकारियों ने बताया कि सोलिह की सरकार बनने के बाद भारत अब तक मालदीव को $2 अरब की मदद का वादा कर चुका है, जिससे चीन की पिछलग्गू यामीन समर्थित विपक्षियों को डर लग रहा है कि कहीं मालदीव से चीन का पूरी तरीके से बायकॉट ना हो जाए। भारत की मदद से देश के विकास में लगी सरकार। दरअसल चीन के खतरे को देखते हुए भारत अपने पड़ोसी देशों को अपने पाले में लाने की लगातार कोशिशें कर रहा है। इन देशों में मालदीव सबसे अहम है। इसी वजह से भारत मालदीव की हर संभव मदद कर रहा है। 13 अगस्त को ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई एक बैठक के बाद ये घोषणा की गई थी कि भारत सरकार मालदीव को एक वित्तीय पैकेज देगा, जिसमें $10 करोड़ का अनुदान होगा और $40 करोड़ की नई लाइन ऑफ क्रेडिट होगी। इसके अलावा $25 करोड़ की अलग सहायता पर भी बात हुई थी। इस पर खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के साथ मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने अपने एक ट्वीट में कहा, मालदीव भारत के सहयोग में आज का दिन एक ऐतिहासिक क्षण है। मौजूदा समय में जब मालदीव में यामीन को जेल से छुड़ाने की मांग उठने लगी है, ऐसे में वहां की सरकार जनता को अपने साथ जोड़े रखने के लिए भारत की मदद वाली परियोजनाओं पर निर्भर हो गई है। मालदीव सरकार भारत की तरफ से हाल में घोषित वित्तीय मदद के फायदों को जल्द से जल्द जनता तक पहुंचाने पर जोर दे रही है। हालांकि मालदीव के विदेश मंत्रालय के सूत्रों की माने तो स्थिति अब भी पूरी तरह नियंत्रण में है। सरकार ने राजधानी माले के ग्रेटर माले रीजन में सुरक्षा बढ़ा दी है, जहां भारत का दूतावास समेत कई प्रमुख संस्थान हैं। भारत ने भी अपने दूतावास की सुरक्षा को देखते हुए स्पेशल फोर्स को तैनात कर दिया है। दरअसल मालदीव में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे चीन का हाथ है। मालदीव की मौजूदा सरकार भारत से अच्छे संबंध करने की कोशिश में है, जबकि यामीन को चीन का पिछलग्गू कहा जाता था। भारत जिस तरह से मालदीव की मदद कर रहा है उसे चीन के पेट में दर्द होना लाजमी है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के समय में मालदीव चीन का गहरा दोस्त बन गया था। हालांकि मोदी सरकार ने अपनी रणनीति को अब बदल दिया है। चीन के खतरे से निपटने के लिए सरकार मालदीव जैसे देशों से अपनी दोस्ती बढ़ा रही है।